जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी कि निगमीय लेखांकन सब्जेक्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी वाले न्यूमेरिकल में तो मैं वही क्वेश्चन नहीं बता सकता जो पेपर में आता है, वो पेपर में जो आएगा वो देखना अपना। थ्योरी क्वेश्चन अच्छे से मैं समझा दे रहा हूँ, प्रश्नों के साथ उत्तर भी मैं समझा दे रहा हूँ, बोलकर मैं समझाऊंगा, अगर लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए आप समझिएगा। और उल्टा वीडियो बनने जा रहा है। उल्टा का मतलब होता है पहले चैप्टर से नहीं बनाएंगे, पहले चैप्टर से बहुत वीडियो बना लिया, अब मैं उल्टा बनाने जा रहा हूं। उल्टा में लास्ट में आपको मिलता है सूत्रधारी कंपनी चैप्टर। सूत्रधारी कंपनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी बता देते हैं, होल्डिंग कंपनी। सूत्रधारी कंपनी चैप्टर से कौन कौन से थ्योरिकल क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तीन चार बताऊंगा, उनमें से दो पक्का आएगा, दो नहीं आएगा तो एक 100% आएगा, सुन लीजिए, इसके पहले बहुत सारी वीडियो डाली है। सबसे पहली बात हम आपको बता दें, सूत्रधारी कंपनी में यही क्वेश्चन आ सकता है पेपर में आपके, 100% चांस रहता है, 99.99%। सूत्रधारी कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी वह कंपनी होती है जो अगली कंपनी के 50% से अधिक अंशों को खरीद लेती है। खरीदने वाली कंपनी को सूत्रधारी कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है ना, 100% शेयर इसके पास रहता है, इसका जो भी रहे 100% तो इसके पास भी रहता है ना। ए कंपनी यदि अगली कंपनी के कितने अंश खरीद ले, 60%, 50%, 51%, तो खरीदने वाली कंपनी को, परचेज करने इसके शेयर को जो खरीदेगी, खरीदने वाली कंपनी को होल्डिंग कंपनी के नाम से जाना जाता है। और ए वाली कंपनी क्या कहलाएगी, जिसका खरीदा गया, बी कंपनी क्या कहलाएगी, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक कंपनी, सहायक कंपनी को सब्सिडरी कंपनी के नाम से जाना जाता है। सहायक कंपनी वह कंपनी होती है जिस कंपनी के 50% से अधिक अंश खरीद लिया जाए। मतलब कि याद रखना, दोनों में से एक क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, सवाल तो पक्का आएगा, इसके पहले अगर आपने सवाल क्वेश्चन न्यूमेरिकल बढ़ा होगा तो आप लगा लेंगे, नहीं तो लगा भी नहीं पाएंगे, ये आप जानते भी हैं। उसके बाद इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, मिश्रित चिट्ठा किसे कहते हैं, नमूना, इंग्लिश में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोला जाता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, एकीकृत चिट्ठा के नाम से भी इसे जाना जाता है। एकीकृत चिट्ठा पूछे, मिश्रित चिट्ठा पूछे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूछे, तो इसका मतलब क्या होता है, दो कंपनियां, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के शेयर को खरीदती है, दोनों का इकट्ठा बैलेंस शीट बनाया जाता है। जब दोनों की इकट्ठा बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसमें याद रखना होल्डिंग कंपनी का ही शेयर कैपिटल लिखा जाएगा, याद रखना हमेशा होल्डिंग कंपनी का ही शेयर कैपिटल लिखा जाएगा। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस दोनों कंपनियों का जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, याद रखना जोड़ा जाता है, लायबिलिटी जोड़ी जाती है, एसेट्स पूरा ऐड कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, रिजर्व एंड सरप्लस में कैलकुलेशन आते हैं, कैलकुलेशन अगर है तो उसमें कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जोड़ा जाता है। तो एक नमूना पूछे तो बढ़िया से नमूना बना दीजिएगा, ऊपर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, नीचे बढ़िया से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे हमको, कहेंगे क्या कहते हैं हमको बैलेंस शीट बनानी नहीं आती, तो तमाम वीडियो यूट्यूब पर हमने अपलोड किया है, उसको आप पढ़ सकते हैं सर्च करके, ठीक है। मिश्रित चिट्ठा क्या होता है, मिश्रित चिट्ठा वह चिट्ठा होता है जब सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी को इकट्ठा बनाया जाता है, तो उसे मिश्रित चिट्ठा के नाम से जाना जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के नाम से जाना जाता है।
ना, दो कंपनियों की बैलेंस शीट जब इकट्ठा बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं अल्पमत, अल्पमत मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसे होता है, इसे बोलते हैं अल्पहित, ठीक है। अल्पहित का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कंपनी, थोड़ी देर के लिए मानिए ए ने बी कंपनी के 60% से अधिक अंश खरीद लिए, तो कितना नहीं खरीदा, जितना नहीं खरीदा उसको हम अल्पहित बोलते हैं, अल्पमत बोलते हैं। अल्पमत मतलब सुनते होंगे आप, अल्पमत में सरकार आ गई है, सरकार का मतलब होता है यहाँ पर शेयर से। ए लिमिटेड कंपनी है, बी लिमिटेड कंपनी है, तो ए लिमिटेड कंपनी ने बी लिमिटेड कंपनी के 60% से अंश खरीद लिए, 60% इधर चला, इधर कितना बचा 40%, 80% खरीद लिया तो इधर बचा 20%, इसको अल्पमत बोलते हैं। इसका कैलकुलेशन करने का सूत्र होता है शेयर कैपिटल का निकाला जाता है, खरीदने के बाद का प्रॉफिट, खरीदने के बाद का रिजर्व, कैलकुलेशन होता है मेरे भाई लोग, सूत्र होता है, और न्यूमेरिकल तो 100% होल्डिंग कंपनी से एक टू आएगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो भाई अब अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, ना आपके पास टाइम है न्यूमेरिकल पढ़ने का। ये चार क्वेश्चन में गारंटी देता हूं कम से कम दो क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलेंगे, लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ अलग बताते हैं आपको। यहां पर हम बताना चाहते हैं एकीकरण क्या होता है, पेपर में देख लीजिएगा एकीकरण। कभी भी आप पेपर देंगे एमल गमेशन, केवल एक चीज आप याद रखिएगा, हमारी बात हमारे चैनल के बारे में या हमारे बारे में आप लोगों को जरूर बताइएगा, जो पढ़ने के लिए तत्पर हूं, बढ़िया पढ़ाई करना चाहते हैं ऑफलाइन से अच्छा, क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो उपलब्ध है, बीकॉम एमकॉम इंटरमीडिएट बढ़िया से, ऐसा वैसा नहीं पूरी लाइन से, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। एमलगमेशन किसे कहा जाता है, एमलगमेशन को एकीकरण कहते हैं, जब दो या दो से अधिक कंपनी, टू और मोर देन कंपनी इकट्ठा बिजनेस कर ले, एक हो जाए, नई कंपनी की स्थापना कर ले, नई कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट कर ले, उसे बोलते हैं एमलगमेशन। थोड़ी देर के लिए मानिएगा आप एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों कंपनियां जब मिल करके एक नई कंपनी बना ले, एक नई कंपनी का निर्माण कर ले, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है अमलगमेशन। पेपर में श्योर है आएगा, सवाल आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में हम नहीं बता सकते इस समय, क्योंकि सवाल के लिए हम नहीं बना रहे, सवाल का एक लंबा प्रोसीजर होता है, आएगा तो आपने पढ़ा है तो आप लगा लेंगे, आपने कोचिंग ट्यूशन पढ़ा होगा तो लगा लेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है भाई ना लगा पाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर एक नई कंपनी की स्थापना कर ले, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एमलगमेशन, एकीकरण के नाम से उसको जाना जाता है, याद रखिएगा एमलगमेशन। जैसे आप नॉर्मल तौर पर देख लीजिए, वोडाफोन पहले अलग था, आइडिया आदित्य बिरला ग्रुप का आइडिया था, ये अलग था, दोनों कंपनियां क्या हो गई, दोनों कंपनियों की स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, दोनों कंपनियों ने नई कंपनी की स्थापना कर ली, वीआई, जिस नेट से हम अपना वीडियो बहुत सारा अपलोड करते हैं, ठीक है। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन और आइडिया मिलकर के एक नई कंपनी की स्थापना कर ली वीआई, तो वोडाफोन और आइडिया को वीआई ने खरीद लिया, एक तरह से माना जाता है वोडाफोन की संपत्तियों को खरीदा, आइडिया की संपत्तियों को खरीदा, दायित्वों को खरीदा गया, नई कंपनी की स्थापना हो गई वीआई। इसमें पुरानी कंपनियां समाप्त हो जाती है, नई कंपनी मार्केट में बनी रहती है, क्यों समाप्त हो जाती है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन समाप्त हो, इससे क्या होता है आपस में कंपटीशन समाप्त हो जाता है, वो अगली कंपनी से कंपटीशन करने लगती है। वास्तव में मैं बता दूं, जो सर्विस दे रहे हैं हमारे यहाँ, यही सर्विस अगर कुल इनकी पहुंच जाए तो जियो वियो फेल हो जाए, क्यों, 299 रुपए में इनका रिचार्ज हम करवाते हैं, आपसे बता रहे हैं 1.5 GB रोज मिलता है, 1.5 GB के अलावा महीने में 2 बार टैरिफ मिलती है, वो मिलती है कि कम हो जाए तो उस पे नंबर लगा लो, इसका नंबर होता है 12-12-49, मतलब प्रचार नहीं कर रहे कंपनी का हम, समझिए। तो दोनों कंपनियों के मिलने का फायदा हुआ,
कि ये कंपनी थोड़ा खड़ी है, नहीं तभी तक दोनों बंद हो गई होती, खासकर अपने इंडिया में। तो ए होता है एमलगमेशन, याद रखिएगा, पेपर में रखा है, अब ना लिख पाओ तो हमारा क्या मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आता है, इसके अंतर्गत क्रय प्रतिफल क्या है, क्या क्रय प्रतिफल, परचेज कंसीडरेशन। भाई जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदेगी तो उसको बदले में कुछ शेयर दिया जाता है, इसको आप याद रखिएगा, क्या दिया जाता है, शेयर दिया जाता है। ठीक है, शेयर दिया जाता है। तो क्रय प्रतिफल की गणना, जैसे मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल हम बताते हैं, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया की सभी संपत्तियों को खरीदा जाएगा, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स जो भी हो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, जो 500 करोड़ उस ना, जो भी हो, टोटल एक्सपेंसेस में लेस करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब कि प्रारंभिक वे, पेपर में आता है माइनस कर देते हैं, इस आ जाता है रियल एसेट्स, क्या आ जाता है, रियल एसेट्स आ जाता है। रियल एसेट्स के बाद क्या होता है, आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है, यही आता है परचेज कंसीडरेशन। पेपर में सवाल नहीं आएगा तो थ्योरी पूछी जाएगी, ठीक है, सवाल आएगी भी तो जो बच्चे अच्छे से पढ़े वही लगा पाएंगे, एकदम साफ बात है। बहुत सारे लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं चैप्टर, और बहुत सारी जगह अच्छे से चैप्टर पढ़ाया भी नहीं जाता है, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि लंबा चौड़ा चैप्टर होता है, उसमें टाइम नहीं रहता, इसको अपना तैयार कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं क्या है। एक होता है क्रय के स्वभाव का एकीकरण, स्वभाव का एकीकरण, दूसरा होता है विलय के स्वभाव का एकीकरण। क्रय का मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदेगी, एकदम साफ है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदेगी, इसमें 5 शर्तें होती हैं, याद रखिएगा, 5 शर्तें होती हैं। क्रय के स्वभाव में 5 शर्तें होती हैं, ठीक है, और एक होता है विलय के स्वभाव का। तो पहले आप समझिए विलय के स्वभाव का, पहला होता है विलय के स्वभाव का, इसको याद रखना, पहला होता है विलय, दूसरा होता है क्रय के स्वभाव का, पहले विलय के स्वभाव का। पेपर में थ्योरी पूछता है मेरे भाई लोग, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, तो आपको भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, हम बता दे रहे हैं, हमारा जो काम है हम समझा दे रहे हैं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा। कहता है कि समझा, बोल के बता दे रहे हैं, पांच शर्तें जो पूरा करेगा उसे विलय के स्वभाव का एकीकरण कहा जाएगा। विलय में कहा गया, एकीकरण के बाद हस्तांतरक कंपनी सभी संपत्तियां एवं दायित्व हस्तांतरित कंपनी के हो जाएंगी। हस्तांतरक कंपनी का मतलब होता है, याद रखिएगा, वोडाफोन आइडिया, ये अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है, विलय वाले में अब बात कर रहे हैं, विलय वाले में, विलय का मतलब दोनों मिलकर के नई कंपनी कौन सी बन गई, ये वोडाफोन थी, ये आइडिया थी, नई कंपनी कौन सी बन गई, वीआई, तो इसकी संपत्तियां वीआई की हो जाएंगी, इसकी संपत्तियां वीआई की हो जाएंगी। वोडाफोन आइडिया अलग अलग कंपनी थी, जो दोनों कंपनी को इकट्ठा कर दिया, वीआई आ गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हस्तांतरक कंपनी उसकी सहायक कंपनी ना, और कहता है सहायक कंपनी हस्तांतरण कंपनी के साधारण अंशों के अतिरिक्त अन्य साधारण अंकित मूल्य कम से कम 90% होता है, कम से कम, याद रखना, इसके अलग शेयर होल्डर होते हैं, इसके अलग शेयर होल्डर होते हैं। मान लीजिए 100 शेयर होल्डर है 100% है अपने आप में, 100% है, इसमें कम से कम 90%, इसमें कम से कम 90% किस कंपनी के हो जाएंगे, वीआई कंपनी के हो जाएंगे, अलग अलग, इसके शेयर होल्डर, इसके शेयर, जो इसके शेयर होल्डर थे, जो इसके शेयर होल्डर थे, इस कंपनी के उसी, वही शेयर होल्डर 90% इस कंपनी के होंगे,
वीआई के होंगे। जो पहले वोडाफोन में शेयर लिया था, आइडिया में शेयर लिया था, वही क्या हुआ, वही कौन से उसमें आ गया, वही आ गया, वही आएगा वीआई में। ठीक है, अगला कहता है, और हाँ जो से जो पैसा होता है, मान लीजिए वोडाफोन को खरीदा गया, आइडिया को खरीदा गया, नई कंपनी वोडाफोन आइडिया मतलब बीआई बनी, तो बीआई जो पैसा पेमेंट करेगा शेयर में पेमेंट करेगा, ठीक है, डिवेंचर में पेमेंट करेगा, जिसे खंडित होता है, कभी कभी होता है 1.5 शेयर ना 12.5 शेयर, तो जो खंडित शेयर होते हैं उनका भुगतान नगदी में किया जाएगा, पैसे में किया जाएगा। उसके बाद कहता है दोनों कंपनियों को चालू रखा जाएगा, कोई कंपनी बंद नहीं होगी, याद रखिएगा, वोडाफोन भी चल रही है, आइडिया भी चल रही है, नाम बदल गया बस। उसके बाद ध्यान देना है, संपत्तियों एवं दायित्वों को पुस्तकी मूल्य पर प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है, इन इन पांचों नियम में से कोई एक नियम गायब अगर है तो वही हो जाता है क्रय का, ठीक है, ये सब चीज वही लोग समझ पाएंगे थोड़ा बहुत, एकदम साफ बात हम बोलते हैं, जो जिन्होंने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब आगे चलिए। अगला आपको बताना चाहते हैं पुनर्निर्माण क्या होता है, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण रिकॉन्स्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण, जैसे फॉर एग्जांपल हम रास्ते में जा रहे थे, एक दिन गिर पड़े, जब हम रास्ते में जा रहे थे तो गिर पड़े, ठनक पड़े भैया, जब गिर पड़े तो क्या हुआ, कभी कभी होता है कोई उठाएगा करके, कभी कभी होता है कि हम अपने आप उठकर फिर चलने लगेंगे, साइकिल चलाते हैं हम लोग, देखिए जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं देखो गिर पड़ते हैं कहीं जगह, तो ना जब ज्यादा तेज गिरते हैं तो उनको कोई उठाता है, और कोई दिख गया तो, नहीं तो अपने आप लेकर भागने लगते हैं फिर से। तो यही होता है कंपनी में रिकॉन्स्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब क्या हुआ, एक एक होता है आंतरिक, एक होता है वाह, थ्योरी है याद रखना भाई, वाह आंतरिक को इंटरनल बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। पुनर्निर्माण में क्या होता है, कंपनी की स्थिति जब खराब होती है, जब कंपनी की स्थिति बेकार हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है, अपने आप को नए सिरे से शुरू करती है। तो देखो कई जगह आपको मिलेगा न्यू, न्यू मौर्या किराना स्टोर, पहले था, किराना स्टोर की बात कर लो, दुकानों की बात कर लो, देखो नया, नए सिरे से शुरू कर देते हैं, न्यू कर देते हैं। न्यू का मतलब सभी संपत्तियों को, सभी दायित्वों को, सभी जो डूब गया उसको सहन करके फिर नए मानसिकता के तौर पर शुरू करते हैं, नया सामान लाते हैं, नई 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 पूंजी लगाते हैं, इसे बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब दूसरा कोई सपोर्ट करेगा इसमें, इसमें दूसरा कोई सपोर्ट करेगा, दुकान का नाम वही रहता है। तो ये सिर्फ लिखने के लिए बता रहे हैं, सवाल अगर आ जाएगी तो उसके बारे में आप समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सवाल पर ध्यान नहीं देते हैं, घूमने टहलने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मजा लेते हैं, डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं, एकदम साफ बता दें, सवाल जब आएगी उसके बारे में उसका निर्णय आप लेने। यहां से ये तीन प्रश्न में एक प्रश्न आपको मिल सकता है पेपर में, मैंने बता दिया वाह, वाह का मतलब जब दूसरा कोई आपको उठाए, इंटरनल, इंटरनल का मतलब आंतरिक, मतलब जो अपने आप उठ जाए, नए सिरे से फिर शुरू किया जाए, उसके बाद क्या होता है। एक चैप्टर है ख्याति, ख्याति का मूल्यांकन, बहुत आसान बेचारा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना वही बात आती है बार बार, इसको भी नहीं पढ़ते, तो नहीं पढ़ते तो थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति किसे कहते हैं, ख्याति अमूर्त अदृश्य संपत्ति है, इनटेंजिबल असेट्स है ख्याति, जिसे ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, समझ रहे हैं। हमारा नाम, किसी व्यक्ति का नाम अगर हमारा बताया गया पेपर में आएगा तो हमारी गुडविल बढ़ेगी, लोग हमसे जुड़ेंगे, अगर हमारा बताया हुआ पेपर में नहीं आएगा तो क्या होगा, गुडविल हमारी घट जाएगी। तो इसे ख्याति एक अदृश्य अमूर्त संपत्ति है, इनटेंजिबल असेट्स है, जिसे ना तो आप देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जिस बिजनेस में गुडविल ज्यादा होगी वहां बिक्री ज्यादा होगी, सेलिंग ज्यादा होगी। आमतौर पर मिठाई की दुकान होती है, देखो जिसकी गुडविल ज्यादा है भैया वो शुद्ध देता है, ठीक ठाक देता है, ठीक ठाक रेट देता है, उसके यहाँ देखो भीड़ ज्यादा लगती है। उसी के सामने अगर कोई अन्य व्यक्ति दुकान खोल ले, उसके यहाँ भीड़ क्या होती है, कम लगती है, उसके यहाँ बिक्री कम होती है।
तो याद रखना, ख्याति अदृश्य अमूर्त संपत्ति है जिसे ना तो देखा जा सकता है ना तो छुआ जा सकता है, केवल महसूस कर सकते हैं। ख्याति गुडविल से बिजनेस की सेलिंग बढ़ती है, सेल बढ़ने से फायदा भी बढ़ता है, फायदा बढ़ने से आपका बिजनेस आगे जाता है। ठीक है, अब ये बात हुई। नॉर्मल तौर पर सामान्य लाभ की अपेक्षा अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को गुडविल कहते हैं। जैसे दो दुकानें होती हैं, चार दुकानें होती हैं, दस दुकान, उसी चीज की दस दुकानें हैं, कोई व्यक्ति 10,000 कमा ले रहा है एक दिन में, कोई व्यक्ति 10 रुपया नहीं कमा पा रहा है, या 100 रुपया कमा रहा है, 1,000 रुपया कमा रहा है, वही चीज की दुकान है, चाहे किराने की देख लो, चाहे कपड़े की देख लो, वही कपड़ा है, तो क्या होगा? सामान्य लाभ, लाभ सब कमाएंगे, जो ज्यादा कमाएगा, जो एक्स्ट्रा कमाएगा उसको बोलते हैं गुडविल, याद रखना। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां पेपर में पूछता है, बहुत पूछता है, याद रखना। ख्याति से न्यूमेरिकल सवाल पेपर में पूछा जाएगा, और ना पूछा जाए तो हमको बताना कि सर आपने बताया था, नहीं पूछा गया था। आसान पूछा जाएगा तब भी अधिकतर लोग नहीं लगा पाएंगे, क्यों? क्योंकि पढ़ाई में अगर आप ध्यान नहीं देते तो ये जान लीजिएगा। ख्याति के मूल्यांकन की विधियों में पहला होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत लाभ विधि। ठीक है, औसत लाभ विधि, नाम लिखने से नहीं मतलब, पेपर में पूछ लिया थ्योरी भाई, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो यही नाम लिखने से आपको प्रश्न दे उत्तर दे देगा, ओ नंबर दे देगा, लिखना पड़ेगा, सूत्र लिखो, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। पहली विधि एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी विधि कौन सी होती है उसको भी बता दे रहे हैं, सूत्र बोल देंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर भी आज है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं कुछ बच्चों का पेपर आज है, कुछ लोगों का 4 दिन बाद होगा, कुछ लोगों का हो चुका है। दूसरा नंबर सुपर प्रॉफिट मेथड, इसे बोलते हैं अधि लाभ विधि, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये सूत्र है और गारंटी दे रहा हूं सवाल पेपर में ना बताइएगा, और जिनके पास टाइम है आपको एक चीज और बताना चाहते हैं। अगला क्या है, एक चीज भूल गए, दूसरा नंबर भूल गए हम, दूसरा नंबर क्या था, भारित औसत लाभ विधि, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू ना एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहां से आएगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, इसको लिख लीजिएगा, सूत्र है। उसके बाद तीसरा सूत्र क्या होता है, पूंजीकरण विधि, बहुत आता है भैया, जहां तक यही नियमों में आएगा देख लेना, कैपिटलाइज मेथड, यही ज्यादा आता है पेपर में, मतलब सवाल जो आती है। एक होता है औसत लाभ का पूंजीकरण, औसत लाभ का पूंजीकरण, ठीक है,
गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू, पूंजीकरण की वैल्यू, ठीक है, पूंजीकरण माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सूत्र होता है। कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट गुणे 100 भागे एनआरआर, कैपिटलाइज वैल्यू कहां से आता है उसको लिख लेना, ठीक है। उसमें एवरेज प्रॉफिट के स्थान पे सुपर प्रॉफिट हो जाता है, उसको अपना सब आगे लिख लीजिएगा। वार्षिकी विधि, एक रुपए से कम हो एक रुपए से अधिक हो, ये सब वीडियो में बहुत पहले डाल चुका हूँ, नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम अभी नहीं है भाई, पेपर में आएगा पक्का। और आपको बता दूं अंशों के मूल्यांकन से क्या आशय है, अंशों के मूल्यांकन से आशय, अंशों के मूल्य को ज्ञात करना, कंपनी के अंशों की प्राइस को ज्ञात करना अंशों का क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है ना, वैल्यू ऑफ शेयर कहलाता है। इसमें आपको एक चीज बता दें क्या होता है, इसमें पेपर में पूछता है बहुत ज्यादा, शुद्ध संपत्ति विधि, इसकी मूल्यांकन की विधियां, नेट एसेट्स मेथड पहला होता है, आय विधि, यील्ड मेथड, उचित विधि, फेयर मेथड, ठीक है। आय विधि में एक होता है डिविडेंड के बेस पे लाभांश आय विधि, एक होता है अर्निंग कैपेसिटी विधि, याद रखना इसका सूत्र, इसका सूत्र, इसका सूत्र याद रहना चाहिए, इसका तो पक्का याद रहना चाहिए, ज्यादा आता है थ्योरियो आता है। शुद्ध संपत्ति विधि क्या होती है, कंपनी की सभी संपत्तियों को बेच करके सभी दायित्वों के भुगतान करने के बाद टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी आउटसाइड लाइबिलिटी, कुल संपत्ति में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो बचेगा उसमें नंबर ऑफ शेयर से भाग दे देना है, यही आएगा पेपर में, मिला लीजिएगा पेपर में रहेगा आशय शुद्ध संपत्ति विधि, सवाल तो आएगी, सवाल के बारे में थोड़ी बता रहे हैं। अगला प्रश्न कंपनियों के समापन से आशय, कंपनियों के समापन से आशय, कंपनियों को समाप्त कर दिया जाता है, इसमें कंपनियों के सभी संपत्तियों को बेच दिया जाता है, कंपनी की सभी संपत्तियों को बेच दिया जाता है, कंपनी के सभी दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। और विधियां, समापन की विधियां इसको आप पढ़ लीजिएगा, विधियों में होती है स्वेच्छा से समापन, कोर्ट द्वारा समापन, ठीक है, अंशधारियों द्वारा मिलकर के समापन, ठीक है, इसको अपना पढ़ लेना, पेपर में आएगा यहां से। अगला क्या है, ऋण पत्र से आशय, ऋण पत्र यानी कि डिवेंचर, ऋण पत्र ऋण लेने व ऋण देने का एक प्रमाण पत्र होता है जिसमें ऋण से संबंधित सभी शर्तें होती हैं, लोन से संबंधित ना, अंशों की तरह ही ऋण पत्र इशू किया जाता है। ऋण पत्र में क्या होता है, जिसमें बैंक ऋण लेने वाले का नाम, ऋण देने वाले का नाम, ऋण लेने वाले का नाम, ऋण देने वाले का नाम लिखा होता है, याद रखना ये सारी चीजें आती हैं, पेपर में आएंगी और देखना आएगा हमको क्या करना है, ब्याज की दर, कब पैसा वापस किया जाएगा, ठीक है। ऋण पत्र के प्रकार में आप आइएगा थोड़ा से, पहला होता है पंजीकृत, इसको रजिस्टर भी बोलते हैं, दूसरा होता है वाहक, तीसरा होता है सुरक्षित, चौथा होता है असुरक्षित, पांचवा होता है शोधनीय, छठा होता है अशोधनीय, सातवां होता है परिवर्तनशील, आठवां होता है
अपरिवर्तनशील, नौवां होता है शून्य कूपन दर, ऐसे होता है। दसवां होता है बड़ा संघर्ष रहता है हमारे जीवन में, विशिष्ट कूपन दर। ठीक है, 10 प्रकार होते हैं और सबको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसके अंदर घुसकर भी पेपर में पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, पंजीकृत ऋण पत्र क्या होता है, ऋण पत्र क्या होता है, कभी कभी पूछेगा ऋण पत्र से आशय ऋण लेने व ऋण देने का प्रमाण पत्र होता है, जिसमें ऋण से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं, ऋण लेने वाले का नाम, देने वाले का नाम, ब्याज की दर, ऋण की राशि, कब पैसा वापस किया जाएगा आदि शर्तें लिखी होती हैं, इसे ऋण पत्र कहते हैं। पेपर में मिला लीजिएगा, ना आए तो हमको बताइएगा। पंजीकृत ऋण पत्र किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति का नाम डिबेंचर पे लिखा होगा, मान लीजिए डिबेंचर है, डिबेंचर में हमारा नाम, ठीक है। आपको ध्यान दीजिएगा, ये ऋण पत्र है, इसमें ऋण पत्र का नाम, अगर संजना का नाम लिख दिया है, हमारा नाम लिख दिया गया है इसमें, तो हम बैंक की खिड़की के पास जाएंगे, हम बैंक की खिड़की पे पास जाएंगे तो हमको ही ब्याज मिलेगा। अगर हम आपको दे दें कि आप ले जाइए, हमारे घर वाले ले जाएंगे, तो उनको ब्याज और मूल राशि नहीं मिलेगी। इसका मतलब होता है पंजीकृत ऋण पत्र। पंजीकृत ऋण पत्र का मतलब होता है जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उसी को पैसा मिलेगा। वाहक का मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है। आपको देखो, पंजीकृत ऋण पत्र जेके नाम, उसी को पैसा ब्याज मिलेगा, मूल राशि मिलेगी। वाहक में जो ले जाए वही को मिलेगा। सुरक्षित में लोन लेते हैं, यहां पर कंपनियां लोन लेती हैं लेकिन अपनी संपत्तियों को गिरवी रखकर लोन लेती हैं। असुरक्षित ऋण पत्र, असुरक्षित ऋण पत्र में क्या होता है, इसमें इसे बोलते हैं नग्न ऋण पत्र। पेपर में पूछता है नग्न ऋण पत्र क्या है। नग्न ऋण पत्र में वैसे लोन मिलता है कंपनी को बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिलता है, याद रखना प्यारे बच्चों। शोधनी का मतलब जिन्हें कंपनी अपने जीवन काल में शोधन कर देती है। अशोधनी का मतलब जिन्हें कंपनी अपने जीवन काल में नहीं, जीवन काल मतलब जब कंपनी समाप्त होती है उसके पहले शोधन करती है, इसका शोधन समय पे हो जाता है, याद रखना। परिवर्तन का मतलब ऐसे ऋण पत्र जिनका परिवर्तन अंशों में किया जा सकता है, उसे परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र का मतलब होता है जिनका परिवर्तन अंशों में नहीं किया जा सकता। शून्य कूपन दर का मतलब होता है जिनके ऋण पत्र पर पहले से ब्याज का पैसा, ब्याज की अवधि निर्धारण नहीं होता है। विशिष्ट का मतलब होता है जिनमें पहले से ही ब्याज की अवधि का निर्धारण होता है, ब्याज कितना मिलेगा, इसे बोलते हैं शून्य कूपन दर। किसे बोलते हैं, याद रखना, जब ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है, ब्याज निश्चित नहीं होगा कितना मिलेगा, उसे शून्य बोलते हैं, और पहले से ब्याज निश्चित होगा तो उसे विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र कहते हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर से भी क्वेश्चन घुस के पूछ सकता है, पंजीकृत पर या वाहक पर या सुरक्षित पर कोई एक पूछा जाएगा, याद रखना एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आगे हम आपको बताना चाहते हैं सहायक प्रतिभूति क्या है, पेपर में बहुत पूछता है। कोलेट्रल सिक्योरिटी, सहायक प्रतिभूति, अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सहायक प्रतिभूति क्या है, सहायक प्रतिभूति का मतलब क्या होता है, यह भी आज मैंने वीडियो डाला है। न्यूमेरिकल थ्योरिकल दोनों, न्यूमेरिकल का मतलब होता है जब तक न्यूमेरिकल नहीं समझोगे तब तक थ्योरिकल नहीं समझ पाओगे। सहायक प्रतिभूति का मतलब होता है जब कंपनी अपने पैसा पाना चाहे, जब कंपनी पैसा पाना चाहे तो कंपनी कुछ गिरवी रखना पड़ता है। कंपनी को अगर जनता के बीच में अगर ऋण पत्र निर्गमित करेगी कंपनी तो उसको समय लगेगा, तो समय लगेगा तो क्या होगा, जब समय लगेगा तो कंपनी बैंक के पास जाती है, बैंक के पास अपने डिबेंचर को दे देती है, वहां से लोन ले लेती है, याद रखना वहां से लोन ले लेती है। जब लोन चुकता कर देती है तो उसका ऋण पत्र वापस आ जाता है, जब चुकता नहीं कर पाती है तो बैंक उस ऋण पत्र को का मालिक बन जाती है, इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट, लोन लेने की बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, याद रखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट एंट्री होती है। दूसरी एंट्री इसकी इसकी होती है
कि प्रतिभूति डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, याद रखना पेपर में बहुत पूछता है, अथाह बार पूछा गया है। ठीक है, ऋण पत्रों के शोधन से क्या आशय है, ऋण पत्रों के शोधन से आशय, ऋण पत्रों के शोधन का मतलब होता है ऋण पत्रों की राशि का पैसा वापस करना, ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है, डिबेंचर का शोधन कहलाता है, याद रखिएगा ऋण पत्रों की राशि का वापस करना ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है ना, किसी से पैसा लिए उसका पैसा दे दो शोधन कहलाता है, याद रखना बहुत पेपर में आता 100% आएगा क्वेश्चन, याद रखना ऐसे नहीं बता रहे 100% आएगा, सबको अनुभव है। ऋण पत्रों के शोधन की विधियां क्या है, विधियां, विधियों मतलब होता है एकमुश्त शोधन, एकमुश्त शोधन, दूसरा होता है किस्तों में शोधन, तीसरा होता है खुले बाजार से शोधन, खुले बाजार के बाद क्या होता है, चौथा होता है सिंकिंग फंड से शोधन, पांचवा होता है सिंकिंग फंड के बाद पांचवा होता है बीमा पॉलिसी, बीमा पॉलिसी विधि, छठा होता है ह्रास कोष विधि, याद रखना सिंकिंग फंड पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, सिंकिंग फंड क्या है, ऋण पत्रों की राशि के लिए ऋण पत्रों के पैसे को वापस करने के लिए एक कोष बनाया जाता है, एक फंड बनाया जाता है, एक गुल्लक बनाया जाता है, ऋण पत्रों से प्रॉफिट लॉस से पैसा निकाल के मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, मार्केट से पैसा जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलने के बाद फिर उसको ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है उसको देख लीजिएगा, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो सिंकिंग फंड पेपर में बहुत आता है, खुले बाजार पेपर में बहुत आता है, खुले बाजार का मतलब क्या होता है, खुले बाजार का मतलब जैसे हमने अपना हमारी कंपनी है ऋण पत्र निर्मित किया और बाद में पता लगा कि हमारा ऋण पत्र मार्केट में बिकने आया है तो हम क्या करेंगे, अपने ऋण पत्रों को छीन लेंगे, मतलब कि खरीद लेंगे खुद, एक होता है इसमें रद्द कर दिया जाता है, एक होता है पुनः निर्गमन किया जाता है, YouTube पर वीडियो तमाम पड़े हैं, YouTube पर पढ़ सकते हैं, पेड कोर्स के लिए तो पैसा लेते हैं लेकिन जब 2-4-10 दिन पेपर हो तब क्या देंगे पैसा, तब के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली कहानी कहाँ आती है, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से क्या आशय, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन का नियम क्या होता है, पेपर में थ्योरी आती है, सवाल तो आएगी, सवाल के बारे में थोड़ी बता पाएंगे क्योंकि सवाल के लिए पढ़ना पड़ता है साल भर, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से आशय, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे को वापस कर देना, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कहलाता है। ठीक है, कैसे, 20 साल के अंदर कंपनी शोधन करती है, प्रावधान क्या है, प्रावधान इसके नियम, प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रावधान हमारी जो वीडियो अपलोड होगी चाहे जहां पर पहली वीडियो में सब बताया गया है, प्रावधान का मतलब होता है पूर्ण दत्त अंशों का शोधन होता है, अगर कोई आंशिक दत्तांश है, आंशिक दत्त का मतलब कंपनी ने 10 रुपए का अंश निर्गमित किया है, कंपनी को 8 ही रुपया प्राप्त हुआ है, पहले कंपनी 2 रुपया और मांगेगी, 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10, जब पूरा 10 हो जाएगा तो उसको फिर वापस कर देगी, समझ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण दत्त को आंशिक दत्त बनाया जाएगा। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन लाभ से किया जाता है, लाभ हानि विवरण खाते से किया जाता है, नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि से किया जाता है, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की राशि में जो प्रीमियम दिया जाता है, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से दिया जाता है, प्रीमियम से नहीं हो पाता है तो प्रॉफिट लॉस से निकाल कर दिया जाता है, बुलाया जाता है तब एंट्री क्या होती है, बुलाया जाता है तब एंट्री होती है, सॉरी वहां से निकाला जाता है, जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल से निकाला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जनरल रिजर्व आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल आता है, कैपिटल रिजर्व आता है, यहां से पैसा निकाला जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, इसको लिए पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद हम आते हैं थोड़ा से बुलाने की एंट्री, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट सामान्य अंश पे, अगर प्रीमियम पे शोधन करना है बुलाने के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है यहीं पर। अब आते हैं पहले चैप्टर पर, अभी भी बहुत सारे मौके होते हैं जिनके पास 5-7 दिन का टाइम रहे
वो पढ़ सकते हैं, जिनके पास एक आध महीना 15 दिन का टाइम रहे उनके लिए पूरा कोर्स उपलब्ध है। एकदम साफ बता दूं हमारा यही काम है, ठीक है। हम इतना कुछ YouTube पर अपलोड कर देते हैं, लोग देखें ना देखें, हमको हमारे पास बहुत वीडियो है, था इतनी वीडियो है कि हम अगर रोज ड्यूटी अपलोड करें 2 साल वीडियो ना बनाए तब हमको दिक्कत नहीं है, वीडियो की कमी नहीं है, लेकिन हम संघर्षशील आदमी है। अगला पहले चैप्टर पर जब आप आते हैं तो पहले चैप्टर में आपको मैं बता दूं अंश किसे कहते हैं, शेयर। कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है उस प्रत्येक टुकड़े को अंश कहते हैं ना, कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है उस प्रत्येक टुकड़े को अंश कहते हैं, शेयर कहते हैं, याद रखना। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं अंश में, अंश दो प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार प्रेफरेंस, क्षमता, इन दोनों में अंतर पेपर में पूछा जाता है। पूर्वाधिकार अंशधारी, क्षमता अंशधारी, एक लाइन से हमें याद है, हम बता दे रहे। पूर्वाधिकार अंशधारी वे अंशधारी होते हैं जिन्हें कंपनी में सबसे पहले लाभांश मिलता है, एक हो गया। क्षमता अंशधारी वे अंशधारी होते हैं जिन्हें कंपनी में लाभांश पूर्वाधिकार के बाद मिलता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता है, क्षमता अंशधारियों को कंपनी में मत देने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी की वैधानिक सभाओं में बैठ नहीं सकते, किसी भी सभा में बैठ नहीं सकते हैं, और पूर्वाधिकार अंशधारी क्षमता अंशधारी बैठ सकते हैं, संचालक मंडल में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश की दर निश्चित होती है, क्षमता अंशधारियों के लाभांश की दर अनिश्चित होती है। कंपनी के समापन के समय पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले पैसा दिया जाता है, क्षमता अंशधारियों को बाद में पैसा दिया जाता है, पर लाभ दिया जाता है, जो भी लाभांश पहले दिया जाता है लाभ, ये सब बताया गया है, ठीक है। पेपर इसको सब तैयार करो, ना तैयार हो तो बात अलग है। अगला क्या होता है, अल्प अभिधान किसे कहते हैं। अल्प अभिधान को न्यून अभिधान कहते हैं। जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से कम आवेदन आते हैं तो उसे न्यून अभिधान कहते हैं। कंपनी निर्गमन करे 10,000 अंश और खरीदने वाले आए 9,000, इसे न्यून अभिधान कहते हैं। अति अभिधान क्या होता है, अति अभिधान का मतलब होता है जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से अधिक आवेदन आए, कंपनी ने 10,000 निर्गमित किया, खरीदने वाले आ जाए 5,000 15,000, दो नंबर में क्वेश्चन पूछे तो दो नंबर के लायक लिखो, दो नंबर में पूछे अगर, पांच नंबर में पूछे, जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से कम आवेदन आते हैं तो उसे न्यून अभिधान कहते हैं। उदाहरण दे दीजिए, कंपनी ने निर्गमित किया 10,000 अंश, खरीदने वाले आए 9,000 अंश, बाद में 9,000 से कुल गुणा किया जाता है। बड़ा पूछे, अति अभिधान पूछे, ज्यादा बड़ा नहीं पूछा, छोटा पूछता है। कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से अधिक आवेदन आने पर, अधिक मतलब 5,000 ज्यादा, ऐसी कंडीशन में कुछ को वापस कर देते हैं, कभी कभी होता है सबको वापस कर देते हैं जो फालतू आए हैं, कभी कभी होता है कि कुछ को वापस कर देते हैं, कुछ का पैसा आवंटन में समायोजित कर दिया जाता है। और पेपर में क्या आएगा इसको भी मैं बता दे रहा हूं, अभी इस चैप्टर की सवाल भी मैं बता दे रहा हूं क्या आएगा। अब आते हैं अवशिष्ट याचना। अवशिष्ट याचना किसे कहते हैं और अग्रिम याचना किसे कहते हैं। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, अवशिष्ट का मतलब होता है कालसीन एरियर। जब कंपनी अंश निर्गमित करे, जब कंपनी क्या निर्गमित करे, शेयर निर्गमित करे, लोग आवेदन देकर के अंश को खरीद लेते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी खरीद लेते हैं पहली किस्त दे करके, दूसरी किस्त देते हैं, उसके बाद हो सकता है कंडीशन खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, नहीं दे पाते। वही कंपनी के अंश में है, 10 रुपए का अंश है, 2 रुपया आवेदन देकर खरीद लिया, बाद में किस्त का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उसे अवशिष्ट याचना कालसीन एरियर कहते हैं। अग्रिम का मतलब जो समय से पहले दे देते हैं, अग्रिम उस पर अवशिष्ट याचना पर ब्याज लगता है, ब्याज देना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। आपको ध्यान देना है अंशों के हरण पर हम आ चुके हैं, अंशों के हरण में आपको एक बात बताना चाहते हैं, 100% सवाल पूछेगा आनुपातिक आवंटन की, ऐसे रखिए सवाल, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो लगा लेंगे, बहुत सारे बच्चे तो सीरीज पतलिस कर लेते हैं, उसी पेपर देंगे, वो सवाल नहीं लगा पाएंगे, एक बात तय है, थ्योरी उनके लिए आएगी अंशों के हरण से आते। अंशों की राशि जब आवेदन के बाद, भाई आवेदन देता है कोई व्यक्ति, एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन देके खरीद ले, हो सकता है अलॉटमेंट ना दे पाए, हो सकता है फर्स्ट कॉल ना दे पाए, हो सकता है फाइनल कॉल ना दे पाए, तो क्या होता है इसमें,
कंपनी उसके अंशों को छीन लेती है, जिसे अंशों का हरण कहा जाता है। अंशों के हरण संबंधी जर्नल प्रविष्टि पूछी जाती है। जर्नल प्रविष्टि वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, देख सकते हैं सर्च करके। मैं किसी के व्हाट्सएप पर मैं शेयर नहीं करूंगा, एक बात और बता दूं, कोई घमंड नहीं है, कोई वो भी नहीं है, क्योंकि देखो टाइम नहीं रहता, दुनिया भर का काम रहता है, क्या करें, हम शेयर करते रहे रोज। तो अब आपको कुछ चीज और बता दे, बोनस अंश क्या है? बोनस अंश, अधिकार अंश, स्वेट समता अंश, ये क्या होता है? बोनस अंश कंपनी अपने वर्तमान अंशधारियों को देती है, फ्री में देती है। क्यों देती है? कंपनी को जब फायदा होता है, कंपनी को पैसे की जरूरत रहती है, तो कंपनी लाभांश का वितरण करती है अंशधारियों को, याद रखिएगा। तो कंपनी क्या होता है? कंपनी उस लाभांश का वितरण ना करके अपने पास रख लेती है। अब अपने पास रख लेती तो अंशधारी क्या होंगे, नाराज होंगे, उनको फ्री में अंश दे देती है। इसे लाभों का पूंजीकरण करना भी कहते हैं। अधिकार अंश क्या होता है? अधिकार अंश वह अंश होता है, जैसे वर्तमान में जो अंशधारी हैं उनको यह विकल्प दिया जाता है कि आप अपने सगे, आप अपने रिश्तेदार को, आप अपने यार दोस्त को, अपने सखी सहेली को अंश दे दें। अंश के लिए उनको दे देते हैं कि वो अंश बिकवा दें। इससे कंपनी को फायदा होता है कि कंपनी को अंशों के निर्गमन पर दलाली वगैरह खर्चा नहीं करना पड़ता है, तो कंपनी का पैसा बच जाता है और अंशधारियों को एक रिप्यूटेशन भी बन जाती है, सस्ते मिल जाता है अंश, उसे अधिकार अंश कहते हैं। स्वेट समता अंश क्या होता है? स्वेट समता अंश वह अंश होता है जो कंपनी अपने कर्मचारियों को देती है, जो कर्मचारी हैं तकनीकी प्रबंधकीय, जिनके रहने से कंपनी को फायदा होता है। जैसे कोई स्कूल होता है उसमें टीचर महा रोल होता है, उनको कुछ अगर अतिरिक्त फायदा नहीं मिलेगा तो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो इसे कंपनी होती है, कंपनी में कुछ कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। वे लोग कंपनी को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करते हैं, तो उन्हें स्वेट सप्तांश कहा जाता है, दे दिया जाता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। पेपर में कुछ और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, ऋण पत्रों के एवं अंशों में अंतर पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने काम भर की चीज आपको बता दी है। मैक्सिमम नंबर इसी में मिलेगा। इस वीडियो को अगर यहां तक देखे हो तो बहुत बहुत अच्छा है।